हम वीर भगत सिंह की हो इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। ना भूलांगे कुर्बानी हम वीर भगत सिंह की, अरे इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। अगर बात अच्छी लगी हो तो एक बार साले सभी उस उन वीर शहीदों के लिए बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। और आइए मोनू भाई कैसे हो। ना भूलांगे कुर्बानी हम वीर भगत सिंह की, ना भूलांगे कुर्बानी हम वीर भगत सिंह की, इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की, इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। भगत सिंह की रागनी पे खुश होकर के आदरणीय अंकल जी 101 रुपए आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद। और लोगो, जब देश गुलाम था भगत सिंह राजगुरु सुभाष चंद्र बोस ऐसे वीरों ने पर देखा कि अंग्रेज देश हमारा धरती हमारी ये ऋषि मुनियों की धारा अर्चंद लोग आकर के इस देश को तानाशाह बना रहे हैं, चंद लोग आकर के इस व्यापारी बन करके आए और इस देश को ठग रहे हैं, और आग लागी भगत सिंह के सीने में और अंग्रेज कहते हैं भगत सिंह को बंदी बना करके जब अंग्रेज कारागार में डाल देते हैं और भगत सिंह से कहते हैं कि भगत सिंह अब भी तेरे पास समय है, हम अंग्रेजों से माफी मांग ले, हम तेरे को माफ कर देंगे। भगत सिंह कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं भारत मां का एक बबर शेर हूं। और भगत सिंह कहता है और आप सबके लिए भी ये होना भी चाहिए कि जमाने में मिलते हैं आशिक कई, सुन ले छोरियो, जमाने में मिलते हैं आशिक कई, मगर सनम वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता, नोटों से लिपट कर मरे हैं बहुत लोग, नोटों से लिपट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। कैसे नंबर एक पे क्या कहा, सगड़ी न शेर बजाया तर जोश का तम रहाया, सगड़ी न शेर बजाया गति मन में ना घबराया, जागो राते टकराया, कति मन में ना घबराया, जागो राते टकराया, अरे देश का दुश्मन बन रहा रे सच में पीर भगत सिंह की, इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की, इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। ये देश हवीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का, मेरे देश के यार मेरे देश के यारों का कहना, ये देश हमारे जवानों का हो। और ये आदरणीय अंकल जी राजपाल जी 101 रुपए सम्मान करते हैं, और जिन जिन अंकल जी भी 101 रुपए आशीर्वाद जरूर दे के गए, धन्यवाद। और जिस दिन भगत सिंह ने असेंबली के अंदर गोला मारा, आदरणीय श्रोतागणों भगत सिंह अकेला था, भगत सिंह अकेला था और अकेले भगत सिंह ने असेंबली के अंदर गोला मारा, अंग्रेजों को मारने के लिए नहीं मारा था उस दिन, उस दिन भगत सिंह ने अंग्रेजों को चेताया था रखे तो गो आउट, भाग जाओ, ये हिंदुस्तान को छोड़ दो, अन्यथा एक भगत सिंह असेंबली के अंदर गोला दाग सकता है तो इस देश के अंदर कितने भगत सिंह है,
कच्चा खा जाएंगे। कैसे? और किसी शायर ने भी कहा, किसी शायर ने भी कहा है कि मरना है तो मरो वतन के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी दो गज जमीन दफन के लिए, अगर मरोगे वतन के लिए, अगर मरोगे वतन के लिए तो खुद की घरवाली भी दुपट्टा उतार के देगी आपके कफन के लिए। कैसे नंबर दो पे गया पड़गी बहारा जब हिंद का शेर ललकारा, उड़ भगदड़ पड़गी बहारा जब हिंद का शेर ललकारा, सत्य मिस्त्री जी गाउंड से मान करते हैं। और भगत सिंह को सताया जाता है, त्रै त्रै की यातनाएं दी जाती है, मगर भगत सिंह ने हाथ नहीं जोड़े, अपितु अंग्रेजों का डट करके विरोध किया। अंग्रेज कहने लगे, भगत सिंह तेरे मरने के बाद में इस देश में आजाद कौन करवाओगा, तू तो मर जाएगा। निबलेरा मूर्ख कि मैं मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया तुम्हारे देश के सुनने डेरे हो जाएंगे और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अंग्रेज कहता है कि भाग जाओ नहीं तो ये हिंदुस्तान है, अगर ये जा गया, ये ऋषि मुनियों की धरती है, अगर जाके नहीं हिंदुस्तानी तो मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, एक सेकंड का कुछ एक क्षण जो आपको बर्बाद और तबाह करके धर देगा। और कहता है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम नहीं होने देंगे, और जब तक है इस जिस्म में एक लहू भी खून का, हम कसम खाते हैं भारत माँ का चलनी नाम नहीं होने देंगे। कैसे? और आदरणीय श्रोतागणों, ऐसी कोई जेल धरती पर नहीं थी, ऐसी कोई जंजीर नहीं थी
ऐसी कोई मार नहीं थी, ऐसी कोई तोप तलवार नहीं थी जो भगत सिंह का हौसला तोड़ सके। भगत सिंह के यार कहते, भगत सिंह हम तेरे को जेल तोड़ करके भगा ले जाएंगे। ने बोला, रे अगर जेल तोड़ेंगे हम तो अंग्रेज ने कहेंगे कि डरपोक थे, जेल तोड़ करके भाग गया। आगे भगत सिंह कहता है कि जब तक मैं जेल में रहा और मन फांसी नहीं होगी ना, ये देश आजाद नहीं होगा। ये सच्चाई भी आदरणीय श्रोतागणों को देखो, नहीं सोचता हो, भगत सिंह को अगर फांसी नहीं होती ना तो देश आजाद नहीं होता। क्यों? कारण सुनो भाई, दो मिनट और लूंगा आप मजबूर, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि 27 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी होनी थी। 23 मार्च ने फांसी क्यों दी? क्योंकि जब अंग्रेजी जज भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाते हैं और अपनी कलम तोड़ देते हैं, अंग्रेजी जज कहता है, भगत सिंह तेरी आखिरी इच्छा बोल। भगत सिंह कहता है कि मेरी आखिरी अंतिम इच्छा एक, बोला तेरी मां से मिलना है? नहीं, मुझे किसी मां से नहीं मिलना है, मेरे को इस काल कोठरी में फांसी ना दे करके खुले मैदान के अंदर फांसी दी जाए जहां पूरा हिंदुस्तान मौजूद हो। अंग्रेजा ने इस बात का बेरा पट गया, जब सरेआम खुले मैदान में भगत सिंह को फांसी होगी तो यो देश है तोड़न नहीं देगा। अगर भगत सिंह जिंदा रहा तो अंग्रेजों का जीना हराम कर देगा, क्योंकि ऐसी चिंगारी है, ऐसी फौलाद है। क्यों करे और कैसे? हिंद खातर जेल गया रे, उन दुखड़ा घना सया रे। हिंद खातर जेल गया रे, उन दुखड़ा घना सया रे। चुक वाला यार नू बोले, जान बूझ के कैद रया रे। चुक वाला यार नू बोले, जान बूझ के कैद रया रे। हिम्मत ना तोड़ सकी कदे जंजीर भगत सिंह की, इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। इस दिल में बसी रहेगी सदा तस्वीर भगत सिंह की। रागनी मेरे आदरणीय गुरुजी सुरेश मान जी मंदोला ने लिखी हुई। देखिए कितने सुंदर शब्द अपनी रागनी के अंदर वीरों के प्रति पिरोए। एक बार मैं चाहूंगा मेरे गुरुजी सुरेश मान मंदोला के लिए भी आप सब बड़ी जोरदार तालियां बजाइए। और जब फांसी देने के लिए राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को जब काला नकाब पर आते, पूरा हिंदुस्तान रोने लग जाता है। एक एक आदमी का आंखें में नौ आंसू आवे कि जिन तीन वीरों पर पूरे देश की आस टिकी थी कि जब तक ये जिंदा है देश को आजाद करवा देंगे, आज वो देश की आस मट्टी में मिलने को चली है। भगत सिंह की मां जाती है, ने बोली कोई नहीं रोवेगा, कि रोना किसी को नहीं है, खुशी के गीत गाइए, मंगल गीत गाइए कि गाओ गाओ सखी मंगलाचार, भगत सिंह मेरा फांसी चढ़े। लुगाइयो खुशी के गीत गाइयो, मैं एक मां हूं और एक मां से बढ़ करके इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं होती कि मेरी इकलौती संतान आज देश खातिर फांसी टूटे। मां के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। भगत सिंह की मां के लिए बड़ी जोरदार तालियां। आखिर में कैसे क्या कहा, आइए। सम्मान टूट गया फांसी छाई चेहरे पत्तियासी, सम्मान टूट गया फांसी उन जगाती हिंदवासी भारत माने तई सबासी, उन जगाती हिंदवासी भारत माने तई सबासी। वो बलिदान क्या मारेगा, बलिदान के मार्ग पर लेगी तकदीर भगत सिंह की। दिल में बसी है सदा तस्वीर भगत सिंह की।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना प्यार प्रेम दिया, बड़े